उमा भारती का भी जिस तरीके से स्टेटमेंट आया, क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि व्यापम घोटाले में सबसे बड़ी बात वो कुमारी उमा भारती, सुश्री उमा भारती जी का बयान है, जो खुद कहती हैं कि उनको और उनके सहयोगियों की जान का खतरा है। जब केंद्रीय मंत्रियों की ही जान का खतरा है तो माफ कीजिए, फिर व्यापम में न्याय कैसे हो पाएगा? व्यापम घोटाले में 70 लाख से अधिक बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया, हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और ये स्पष्ट है कि 49 मौतें हो चुकी, इनकी जांच केवल माननीय उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में सीबीआई कर पाएगी। सदानंद गौड़ा साहब का एक अटपटा बयान आता है और मोदी जी की अभी तक चुप्पी, कैसे देखा? कैलाश विजय वर्गीय व्यापम की मौतों पर जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं राष्ट्रीय और वहां के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो और मुख्यमंत्री साथ साथ खड़े होकर व्यापम की मौतों का उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। दूसरी तरफ देश के कानून मंत्री सदानंद गौड़ा व्यापम की मौतों को सिली बताते हैं। हम उन्हें केवल ये कहना चाहेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी, कैलाश विजय वर्गीय जी, सदानंद गौड़ा जी, नरेंद्र मोदी जी, जब परिवार का सदस्य मरता है तो पीछे परिवार कितना पीड़ित महसूस करता है, उनके दर्द को आप समझ नहीं सकते क्योंकि आप सत्ता के अहंकार में चूर हैं।